हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार पांडे आपका एडू प्लांट में स्वागत करता हूँ। आपका फर्स्ट सेमेस्टर लगभग कंप्लीट होने को आ गया होगा। आप वाइवा की तैयारी में लगे होंगे। आपने बड़ी मेहनत से अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन और PSC 1 की फाइल्स तैयार कर ली होंगी, लेकिन आपको वाइवा का थोड़ा बहुत टेंशन हो रहा होगा। BEd कोर्स में एडमिशन के बाद यह आपका पहला वाइवा होगा और ऐसे में आपको वाइवा का अंदाज़ा कम होगा। आपको वाइवा के पैटर्न और पूछे जाने वाले प्रश्नों का बहुत कम अंदाज़ा या जानकारी हो सकती है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। आपको पता होगा कि आपके 3 प्रैक्टिकल्स हैं। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। नंबर 2, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। और 3rd, PSC 1 या प्रिलिमिनरी स्कूल एंगेजमेंट 1। और तीनों ही प्रैक्टिकल्स अलग अलग दिनों में अलग अलग एक्सटर्नल एग्जामिनर्स या एक्सपर्ट्स द्वारा लिए जाएंगे। हर एक प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का है, अर्थात 3 प्रैक्टिकल्स 300 मार्क्स के होंगे। ध्यान दें कि आपका हर एक प्रैक्टिकल का 100 मार्क्स 2 भागों में बटा होगा, 60 + 40। 60 अंक एक्सटर्नल एक्सपर्ट के हाथ में और 40 अंक आपके इंस्टीट्यूशन या कॉलेज के टीचर के हाथ में। यदि आपका इंटरनल असेसमेंट, असाइनमेंट, ओवरऑल कंडक्ट अच्छा या एवरेज रहा है, तो भी आपको इंटरनल मार्क्स जो कि 40 में से होते हैं अच्छे ही मिल जाएंगे। लेकिन एक्सटर्नल एग्जामिनर से अच्छे मार्क्स के लिए आपको 2 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। 1, आपका प्रोडक्ट, फाइल, सॉफ्ट कॉपी, ई पोर्टफोलियो एट्सेट्रा। और दूसरी, आपकी नॉलेज, लर्निंग आउटकम्स, आंसरिंग द क्वेश्चंस एट्सेट्रा। आप प्रोडक्ट को इफेक्टिवली प्रेजेंट करें, आपकी फाइल किसी और फाइल की कॉपी नहीं हो। प्रश्नों का सटीक जवाब दें। जो चीज़ें आपको नहीं आए उसका गलत जवाब देने से बचें। आपको आपके इनरोलमेंट नंबर के अनुसार बुलाया जाएगा और हो सकता है कि आपको 2-4 स्टूडेंट्स के समूह में बुलाया जाए। यदि समूह में से किसी को पूछे गए प्रश्न का उत्तर मालूम ना हो और आपको उस प्रश्न का उत्तर पता हो, तो आप परमिशन लेकर जवाब जरूर दें। अनुशासन का विशेष ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं अलग अलग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या प्रश्नों की। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के कुछ खास टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा एंड एक्सरसाइजेस, टाइप्स ऑफ आसनास एंड देयर बेनिफिट्स, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइंडफुलनेस, नीड ऑफ वर्किंग इन ग्रुप, वाई टू सेलिब्रेट आइकनिक कल्चरल फिगर्स। चलिए अब जानते हैं ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन के कुछ खास टॉपिक्स। नीड ऑफ विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। How music and puppetry can make teaching learning process effective. Difference between education in art and art in education. Reflection on the activities undertaken. Indian festivals as means of education. Ab PSC 1 के कुछ खास टॉपिक्स। लर्निंग आउटकम्स आफ्टर ऑब्जर्विंग अ रेगुलर क्लासरूम। हाउ अ टीचर कैन सर्व अ स्कूल इन बेटर मैनर। इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। नीड फॉर रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। एक्सप्लेन स्कूल एज अ सिस्टम। रोल ऑफ द प्रिंसिपल
इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर स्कूल. विशेष, आप अपने फाइल्स, सॉफ्ट कॉपी, ई पोर्टफोलियो को जरूर पढ़कर जाएं, क्योंकि बहुत से प्रश्न इन्हीं चीज़ों से पूछे जाते हैं. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. प्लीज़ शेयर द वीडियो इफ़ यू लाइक्ड इट.